तुर्की जीतेगा, पहले से बोला था नबम तुर्की जीतेगा, पहले से बोला था नबम तुर्की जीतेगा, नबम तुर्की जीतेगा। जो भी कमिटमेंट पब्लिक के सामने में जो दिया है उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। वो इलेक्शन का मैनिफेस्टो है और जो भी सरकार होगा उसके सामने में हम लोग रखेंगे। जो बेसिक फैसिलिटीज है, जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का जो लॉसेस है, हम लोगों ने प्रमिस किया था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फार्मर्स, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फार्मर्स लोगों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देना है और स्टेट गवर्नमेंट भी देना है। तो कि साहब प्रायोरिटी क्या होगा सगाली में आपका? प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड कम्युनिकेशंस, the agriculture horticulture development and other your cottage industries in the local villages and also particularly the employment generations। सबसे बड़ा सवाल आता है कि तुकी सा एक अकेला अजूबा कैंडिडेट है जो नॉर्थ ईस्ट में जो एमपी भी कॉन्टेस्ट करता है, एमएलए भी कॉन्टेस्ट करता है, आप एमपी में क्या पोजीशन है सर? अभी तो गिन रहा है, अब पता नहीं लास्ट तक देखिए, क्योंकि समय कम था। मैं इतना दूर दरा इलाका है अरुणाचल में, एक दो महीना में भी पहुंच नहीं पाता है, तो मैं शुरुआत में तो नहीं पहुंच सका और पब्लिक को चेहरा नहीं दिखा पाया, इसलिए कहीं कहीं कम वोट शायद मिला होगा। वो गलती पब्लिक का नहीं है और मेरा भी नहीं है, कहीं कहीं तो वेदर का वजह से है, हम नहीं पहुंच सका, उसका गलती है। आप सगाली से जीत गया है, लेकिन यदि एमपी में ट्रेल हो जाता है तो कोई गम रहेगा आपका? एमपी का जीत हार तो आप इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट के बाद ही बता पाएंगे, अभी हमें नहीं बता सकता। कांग्रेस का हालत बहुत खराब हो गया अरुणाचल में, इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक पूर्व फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी, इसलिए मैं आपको पूछना पड़ेगा। ये राजनीतिक है और एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया का, तो डेमोक्रेसी में हर पॉलिटिकल पार्टी का बदलाव होता है और ये कभी जीत और कभी हार तो होना ही होना है। ये तो ये डिक्टेटरशिप पार्टी नहीं है या स्टेट नहीं है या देश नहीं है, तो यहाँ तो डेमोक्रेसी में बदलते रहेगा। अभी बीजेपी आएगा तो कल फिर कांग्रेस दोबारा आएगा। क्योंकि सब आप 95 से एमएलए हैं सगाली में, डेवलपमेंट कुछ कमी हुआ महसूस है आपको लग रहा है क्या? क्योंकि चैलेंज काफ़ी चैलेंजेस हुआ इस बार आपको चुनाव में। मैंने पहले कहा कि डेवलपमेंट एक प्रोसेस है और समय के साथ जैसे जैसे जो रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी होगा स्टेट में या सेंटर से जो भी जितना भी मदद मिलता है उस हिसाब से डेवलपमेंट काम किया जाता है। और अपना से अलग से स्टेट में अपना रिसोर्सेस नहीं है, हमारा जो अपना इनकम सोर्सेस लिमिटेड है, वजह लिमिटेड के होने के वजह से डेवलपमेंट भी उस हिसाब से गाँव तक पहुँचेगा। और सगाली को तो मैं काफ़ी डेवलपमेंट किया है और भी करना बाकी है, उसको जरूर पूरा करेंगे। आपका ओपोजिशन एनपीपी का कैंडिडेट था तार हारी, बीजेपी का कैंडिडेट था डोमिनिक तादर, वो लोग को भी आप साथ लेके चलेंगे डेवलपमेंट में? जरूर, मैं तो टीम सगाली, टीम अरुणाचल स्पिरिट से हमने शुरू किया, सरकार चलाया, सरकार बनाया और उस हिसाब से अरुणाचल को बराबर हम लोग डेवलपमेंट में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ और विचार के साथ हम लोग ने काम किया और अगला 5 साल में जो भी कमियां है उसको हम लोग पूरा करने के लिए कोशिश करेगा। जहाँ जहाँ सगाली का जनता के लिए 2 लाइन में आप बताइए तो क्या बोलेंगे? सगाली का लोगों को मैं दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, ये उन लोगों ने जो प्यार दिया, जो सपोर्ट दिया और हमको जिताया, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर आपको कहीं 2% में भी लगा कि? मेरा जनता के ऊपर में मैं विश्वास था कि वो जरूर हमारा ऊपर में विश्वास करेगा और सपोर्ट करेगा और डेवलपमेंट को पूरा करने के लिए मौका देगा। सर आपको ऐसा लगा कि मतलब जैसे कि सगाली की बात कहेंगे टू ये पार्टी निर्णय करते हैं, क्योंकि ये तो INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो हाई कमांड डिसाइड करते हैं, पार्टी जैसे चाहा जिस बेसिस में किस बेसिस में वो सोच के हमको उम्मीदवार बनाया असेंबली में और लोकसभा में, तो उनका पार्टी का ऊपर में है। मेरा तरफ से जितना कोशिश करना था किया है, लेकिन उसका पल तो ये जनता ही देगा ना।
How do you see your future, political future, next election again after 5 years? Future, I see all positives.